नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A3X 5G वर्सेस Realme P1 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A3X में 6.52 इंच जबकि P1 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A3X से कम है। विड्थ की बात करें तो A3X में 2.99 इंच जबकि P1 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A3X से कम है। बात करें थिकनेस की तो A3X में 0.3 इंच जबकि P1 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A3X से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A3X में 187 ग्राम जबकि P1 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A3X में LCD जबकि P1 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A3X में 720x1604px HD+ और P1 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A3X में 85.29% जबकि P1 5G में 87.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A3X में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि P1 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A3X में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेंसर देखने को मिलता है। और P1 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A3X में 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और P1 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A3X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और P1 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A3X में माली G57MC2 जबकि P1 5G में माली G68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A3X में MediaTek Dimensity 6300 और P1 5G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें RAM की तो A3X में 4GB की RAM मिलती है जबकि P1 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A3X में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि P1 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो A3X में अप टू 2TB जबकि P1 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी A3X में 5100mAh जबकि P1 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A3X में 3 कलर्स जबकि P1 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A3X में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें P1 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 18,989 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A3X 5G में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme P1 5G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में P1 5G आगे है, मेन कैमरा में P1 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में P1 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।